ममता बनर्जी की कांग्रेस को बड़ी चुनौती। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो बनारस में बीजेपी को हराकर दिखाए। मुझे नहीं लगता कांग्रेस चुनाव में 40 सीट भी जीत पाएगी। कांग्रेस जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। ममता के सियासी बयान के क्या मायने? क्या बीजेपी के लिए 24 का रास्ता हो गया साफ? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सर्वोसर्वा ममता बनर्जी का बयान काफी चर्चा में है। ममता ने पश्चिम बंगाल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी पर पश्चिम बंगाल की जनता को उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है। ममता पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नक्शे कदम पर चलती नजर आई हैं। लेकिन ममता ऐसा क्यों कर रही हैं? कांग्रेस से रूठी क्यों हैं? क्यों कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 सीटें ऑफर करने पर अड़ी हुई हैं? ममता टीएमसी की टीएमसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस के प्रमुख कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। मतलब सब जब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो ममता मिशन 2024 से पहले कांग्रेस से दूरी बनाकर क्या साबित करना चाहती हैं? क्या विपक्षी नेताओं के पास इस सिर फुटबॉल से बीजेपी के लिए 24 का रास्ता साफ हो गया? बात इन सब मुद्दों पर भी करेंगे, पर उससे पहले हम आपको कांग्रेस के लिए ममता के बिगड़े बोल सुनवा रहे हैं। चले लो बांग्लाय बाबलो एखाने मुस्लिम देर एक सुश्रुति प्रथमे चले लो बांग्लाय अर्थात हिंदूरा दिच्छे सुश्रुति, हिंदूदेर दिच्छे सुश्रुति बीजेपी और कांग्रेस सीपीएम दिच्छे सुश्रुति मुस्लिम देर। ओ करबे हिंदू और ओ करबे मुस्लिम और आमरा हिंदू मुस्लिम सिख ख्रिस्टान होयो आमरा सब बाद। एटा होते पारे ना। শুনুন এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার, আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2 সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো, বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই, 42টা? আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও, রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসেছি আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স, একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে, আর তো কিছু চাই না। আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি, ডিরেক্টরকে কাউকে কাউকে ফোন করে বলেছে আমাদের গাড়িটা পাস করে দাও, আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, জেতা জায়গা হেরেছো। মমতা কে রহি হ্যায় কি রাহুল গান্ধী কি যাত্রা পশ্চিম বঙ্গাল আই, লেকিন ইউপি মে বনারস ইয়া এলাহাবাদ নহিং গই। আগর কংগ্রেস মে হিম্মত হ্যায় তো ভাজপা সে লড়ে অর পশ্চিম বঙ্গাল মে আকর জনতা কো না উকসায়। কংগ্রেস আপনি সিট আমেঠি তক হার গই অর মুঝে লাগতা হ্যায় কি আগামী লোকসভা চুনাও মে কংগ্রেস পুরে দেশ মে 40 সিট তক নহিং জিত সকতি। ममता कांग्रेस को ये शराब भरे मंच से वर्धमान जिले के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के दौरान दे रही हैं। ममता का ये बयान बीजेपी के लिए 24 में मददगार साबित होने वाला है। विपक्ष अपने बयानों से ही बीजेपी को 24 का सिकंदर बना रहा है। इस बार रामनामी चोला ओढ़े बीजेपी का रास्ता पहले से काफी आसान हो रखा है, जिस पर विपक्ष की ये हरकतें उसके लिए सोने पर सुहागे का काम कर रही हैं। पहले से रुआंसू बैठी कांग्रेस ममता के इस बयान से सिसक सिसक कर रो उठी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पल टू पल अपडेट्स देने वाले और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने झारखंड के पाकुड़ में ममता के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ममता अपने रास्ते से भटक गई हैं, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, 40 सीट नहीं जीत पाएंगे लोकसभा में, नहीं वहाँ भी जा रहे हैं। और आज 21वां दिन है, झारखंड में है, 13 जिले से हम जाएंगे, यहाँ अगले 8 दिन झारखंड में रहेंगे, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश जरूर जाएंगे। ममता जी के मन में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, 11 दिन
भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में रहेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, और 20 मार्च तक गुंजाइश है कि हम मुंबई में इसको समाप्त करेंगे। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें कही हैं कांग्रेस के पार्टी के बारे में, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, हम भी इंडिया गठबंधन में हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं, जो आपस मतभेद है राज्य के स्तर को राजनीति को लेकर उसको थोड़ा पीछे हटाकर हमें राष्ट्रीय नजरिया लेना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में ममता का साथ चाहिए, इसीलिए कांग्रेस ममता के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रही है, मीठी मीठी प्यार की भाषा से समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस का गहरा गम कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो नहीं चाहती कि उसकी गिरती शाख से कोई भी पत्ता टूटे, पर ममता का ऐसा करना उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। जानकार बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच की आंच ममता बनर्जी तक भी पहुंच सकती है, इसीलिए ममता पहले से ही बीजेपी की जय जयकार करना चाहती हैं। इस घोटाले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी अभी ईडी की रडार पर हैं। अब देखना ये होगा कि ममता विपक्ष से ऐसी ही दूरी बनाकर रखती हैं या नीतीश कुमार की तरह एनडीए का हिस्सा बन जाएंगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या संपूर्ण विपक्ष ऐसे ही आपस में सिर्फ फुटबॉल करता रहेगा या कभी एक मत भी देखेगा, ये बात वाकई में देखने के काबिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।